وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم رواه بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. फिर कसम है मुझे देखे और अनदेखे की, ये शायर का कलाम नहीं, ये रसूल का कलाम है. तो हजरत उमर जो है ना लरस गए, कहने गए अरे कोई क्या बला है, उसको तो पता चल गया मेरे बोल का, इन्नहू लकाहिन, बड़ा जादूगर है, बड़ा जादूगर है. तो अगली आयत फिर ठुकी सर पे, वला बिकौल काहिन कलीलम मा तज़क्करून, ये जादूगर भी नहीं है, तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन, अल्लाह के रब समावात वल अर्द, जमीन आसमान के रब का उतारा हुआ कलाम है. शायर कहा तो अल्लाह ने तर्दीद कर दी, रसूल करीम है. फिर बोले जादूगर है तो अल्लाह ने आगे वला बिकौल काहिन, अरे कायन भी नहीं है, कलीलम मा तज़क्करून, तुम्हें समझ नहीं आ रही. हजरत उमर तो वहीं पसीना पसीना हो गए, इस्लाम वहीं दिल में ठुक गया था, पहली जर्ब यहां लगी, पहला जो तीर लगा ना यहां के लगाए. तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कलाम उतारा, वो ऐसा नहीं है कि कुरान के तर्ज अंग्रेजी के तर्जमों से वो दिल में उतरेगा, वो तो ईमान की शमा जलानी पड़ेगी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अपने आप को ढालना पड़ेगा, फिर कुरान सारा अंदर में उतरेगा, एक एक हर्फ उतरेगा, पूरे समंदर होंगे. लोग कहते हैं तबलीग वाले कुरान तो बयान नहीं करते, एक ही किताब है इनके पास, उसी को लेकर फिरते रहते हैं, छह नंबर बयान करते हैं, तबलीगी नहीं साहब पढ़ते हैं, कुरान तो बयान नहीं कर रहे. अल्लाह के बंदो, भैंस के सामने बीन बजाना, पहले कुरान समझने की इस्तेदाद तो पैदा करें. आप प्राइमरी के बच्चे को शुरू कर दो कि मैं उसको एमए की किताबें पढ़ानी शुरू कर दो कि प्राइमरी के बच्चे को, एक आदमी हराम खा रहा है, हराम कमा रहा है, हराम में डूबा हुआ है, वो कुरान की तफसीर समझेगा. और चिल्ले में कुरान क्या सुनाएं, चिल्ले में कुरान समझने की इस्तेदाद पैदा कर रहे हैं. कुरान अमली तौर पर जिंदा होता है. ये तबलीग ईमान की मेहनत है, इल्म की मेहनत नहीं है, ईमान की मेहनत है. इससे ईमान बनता है, ईमान बनता है फिर खुद आदमी कुरान सीखता है. हम मेडिकल छोड़ के मदरसों में पढ़े हैं तो तबलीग की बरकत से आए हैं, नहीं तो हम भी बैठे होते डॉक्टर साहब की तरफ फिर से वसूल कर रहे हैं. तो अल्लाह के रास्ते में निकलना ये है जिसने अंदर में कुरान की अजमत को पैदा किया. हमें कुरान सीखना चाहिए, हदीस सीखनी चाहिए, इल्म सीखना चाहिए. कॉलेज छोड़े, मदरस और घर छोड़े और मदरसों में धक्के खाए, ये इस तबलीग की बरकत से है. देखने में नजर आता है ये मेरे भाइयों, ईमान में तकरार होता है, एक बात को बार बार कहना पड़ता है तब जाके अंदर में उतरती है. इसलिए सिर्फ छह नंबर, कलमा, नमाज, इल्म, जिक्र, इकराम, इखलास, तबलीग, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी इतनी जर्ब लगाओ कि दिल अल्लाह को मान जाए और अल्लाह पे ठुक जाए. अब कुरान भी समझ में आएगा, हदीस भी समझ में आएगी, अमल भी आएगा, इलम भी आएगा, जौक भी आएगा, शौक भी आएगा, जोश भी होगा, होश भी होगा, सब कुछ होगा. और फिर चार महीने में आदमी कुरान क्या सीखेगा, चार महीने में तो नूरानी का मुश्किल से सीख रहा है आदमी. हम जो चार महीने लगाओ, चिल्ला लगाओ, भाई चिल्ला चार महीने तो ईमान को पानी देने के हैं. ईमान बन जाए, ईमान में कुवत पैदा हो जाए, फिर खुद ही सीखना पड़ेगा. हमारी जमात गई मंडी बहाउद्दीन, मौली साहब कहने लगे मस्जिद के आप लोग हमारी मस्जिद में मत आए, हमारे मस्जिद से निकल जाए. हम क्यों जी, कहा आप लोग मदरसों के भी मुखालिफ हो और मस्जिदों के भी मुखालिफ. कहा वो कैसे मुखालिफ है, कहा ये हमारा नमाजी था, जब तबलीग में नहीं जाता था तो हजार रुपया चंदा देता था, जब से तबलीग में आया सिर्फ 100 रुपया चंदा देता है, लिहाजा तुम हमारे मुखालिफ हो, चले जाओ. उसको बुलाया, भाई भाई अच्छा ये हम पूछते हैं, यहाँ हम तो मस्जिदें बनाने के भी चक्कर में हैं, मदरसे बनाने के चक्कर में हैं, वो तबलीग में जाकर उसने थोड़ा क्यों कर दिया, उसको तो 1000 का 2000 देना चाहिए था, 1000 का 100 कैसे हो गए. उसको बुलाया जी, उससे पूछा भाई क्या बात है, उन गरीब पहले हराम कमाता था, खुद भी खाता था, इनको भी खिलाता था. जब गया तबलीग में तो होश आया, भाई हराम नहीं खाना, हलाल खाना है, तो अब गुजारा ही मुश्किल से होता है, उसमें से मुश्किल से 100 रुपए इनको देता हूँ, ये कहते तो फिर वही शुरू कर देता हूँ, फिर इनको भी खाऊं, खुद भी खाऊं. ये कितना कुरान जिंदा हुआ, उसने पूरे चिले में कोई दर्स कुरान नहीं सुना, पूरे चिले में नहीं सुना, पूरे चिले में ईमान सुना. ईमान ने उसको उठाया, ईमान ने उसको उठाया और उसने आके सारे हराम के बर्तन तोड़े, हराम के काम छोड़े. कितना बड़ा कुरान जिंदा हुआ है. नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज शुरू की तो
80 आयात कुरान की जिंदा हो गई, 79 आयात हैं कुरान पाक में नमाज के बारे में, 79 जिसमें सलात वाज़े तौर पर आया, 80 आयात कुरान की जिंदा हो गई एक शख्स के अंदर। और हराम छोड़ा, जितनी हराम और हलाल की आयात हैं सारी की सारी इसके अंदर जिंदा हो गई, कुरान तो अमली तौर पर जिंदा हो गया। उसने बेहयाई को छोड़ा, हया की सारी आयात जिंदा हो गई। उन्होंने नाफरमानी को छोड़ा, सारे कुफर की से जो बचने की आयात है वो सारी जिंदा हो गई। तो कुरान तो अमली तौर पर जिंदा हो जाता है जब आदमी अल्लाह के रास्ते में कदम उठाता, ईमान बनता है, ईमान से आगे सारी चीजें खिंच खिंच के चली आती, अखलाक जिंदा हुए, ईमान जिंदा हुआ। तो कुरान तो अमली तौर पर जिंदा होता है, नमाज जिंदा हुई, फिर रोजा जिंदा हुआ, फिर हज जिंदा हुई। एक आदमी को हमने इंग्लैंड में हम थे ग्लासगो में, एक आदमी को हम मिलने गए तो उसने हमें देख के चढ़ाई कर दी कि दाढ़ी रख के मेरे घर में क्यों आए हो, दाढ़ी के साथ क्यों आए हो, इतनी उसने हमारी बेइज्जती की। हम लोग बेचारे जो यहां की औरतों से शादियां कर लेते हैं फिर उनका तो अल्लाह ही हाफिज होता है, तो वहां की औरत से शादी की थी, बच्चे भी हाथ से गए हुए थे, खुद भी उसका हाल ये था कि 3 दिन की मेहनत के बाद हम उसको मस्जिद में ला सके, 3 दिन उसको मिलते रहे और उसको मस्जिद में लाए तो कहने लगा आज 27 साल के बाद मैंने मस्जिद में कदम रखा है, ना नमाज ना जुमा ना ईद ना बकरा ईद सब छुट्टी, 27 साल के बाद पहली दफा मस्जिद में आया। और फिर हम 3 दिन उस पर मजीद रोजाना उसको लेके आते छोड़ के जाते, लेके आते छोड़ के आते, 3 दिन के बाद फिर उसने 3 दिन लिखाए, 3 दिन के बाद अल्लाह ने जो उसकी जिंदगी को बदला, मैंने उसको जो रोते देखा मुझसे कहने लगा मेरा बाप मरा मैं नहीं रोया, मेरी माँ मरी मैं नहीं रोया, और मेरे आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आया, 27 साल की जकात इकट्ठी दे के गया, और 83 की बात बता रहा हूँ, 83 से 98 आ चुका है, इन 15 बरस में न उसकी नमाज कजा हुई है, न तहज्जुद कजा हुई है, न रोजा कजा हुआ है, न तिलावत कजा हुई है, न जकात कजा हुई है, न जिक्र, न किसी चीज का उस शख्स के अंदर से किसी चीज की कमी नहीं हुई। और पीछे वक्त कितना लगा, 3 दिन, कितना कुरान जिंदा हुआ, वक्त कितना, 3 दिन लगे और कुरान कितना जिंदा हुआ, जकात की सारी आयात, नमाजों की सारी आयात, जिक्र तिलावत की सारी आयात, सिला रहमी की सारी आयात, और कुल 3 दिन उसके लगे थे। फिर उसके बाद 94 में गया था तो 1 हफ्ता हमारे साथ उन्होंने लगाया था टोटल, बाकी कुछ उसका वक्त नहीं लगा, लेकिन पूरी जिंदगी इस तरह तब्दील हो गई। ईमान को पानी मिलता है ना, जड़ को पानी मिले तो शाखें खुद ब खुद हरी हो जाती, शाखों को पानी देने से भी कभी शाखें हरी हुई, जड़ को पानी दोगे तो शाखें हरी होंगी। तो चलिए ईमान की मेहनत है जिससे ईमान बनता है, ईमान बनता है तो आमाल बनते हैं। अल्लाह के फजल से हमारे पाकिस्तान के मदरसों में कितने बड़े बड़े लोगों के बच्चे कॉलेज छोड़ के यूनिवर्सिटियां छोड़ के अब बैठे मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे जो वहां डॉक्टर अब्दुल कदीर है उसके प्लांट में काम करने वाला एक साइंटिस्ट, उसका बच्चा इस्लामाबाद से हमारे छोटा सा कस्बा तलंबा उसमें आ गया मुल्तान में कि मैंने इल्म पढ़ना है, और अल्लाह के बंदे तू तो साइंसदान का पुत्र है कहीं हमारे पर मुकदमा ही ना कर दे, तू जाओ उससे लिखवा के ले आ, उसे लिखवा के ले आ तब तुझे दाखिल करेंगे वरना नहीं दाखिल करेंगे। तो वो वापस गया अपने बाप से लिखवा के लाया कि मैं इसको इजाजत देता हूं ये जो करना चाहता है कर ले, तो फिर उसको हमने वहां अपने पास दाखिल किया। ईमान बना, उसने खींचा जिंदगियों को दीन की तरफ, कुरान की तरफ, किताब की तरफ, हदीस की तरफ। तो मेरे भाइयों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी पर आना एक तो इसको सीखना है, दूसरा क्या करना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फैलाना, कि आपके बाद नबी कोई नहीं, आपका नबी कोई नहीं है, क़यामत तक के आप नबी हैं इंसानों के भी, قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا جنات کے بھی ویسرفنا الیک نفر من الجن سارے عالم نہیں سارے چھپے ظاہر باطن جتنے عالم ہیں ان سب کے نبی ہیں کیا کہا اللہ نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا تمام عالمین کا نبی بنایا اچھا آپ سارے عالم کے نبی آپ سارے عالمین کے نبی آپ سارے انسانوں کے نبی آپ سارے جنات کے نبی لیکن ادھر دیکھو تو 23 سال میں واپس بلا لیا یہ کیا چکر ہے نبوت دے دی امریکہ افریقہ تک کی اور 23 سال میں واپس آ جاؤ بس کافی ہے آ جاؤ 23 سال کی نبوت کسی نبی کو نہیں ملی آپ کو سب سے تھوڑا زمانہ ملا ہے 23 سال سب سے بڑا میدان ملا ہے 7 بر اعظم ساری نسلیں ساری جنسیتیں سارے اجناس سارے جن سارے انسان سارے شیطان
आपने फरमाया हर